सभी दोस्तों को नमस्कार। दोस्तों, आज इस एपिसोड में मैं आपको SB पेंट कटिंग बताऊंगा। आप सोच रहे होंगे कि SB पेंट कटिंग कौन सी होती है। आप ठीक सोच रहे हैं, क्योंकि आपके लिए ये नया कटिंग फार्मूला है। इस फार्मूले में ना तो चलने में कोई दिक्कत होती है, बहुत कम गिदरी में सलवटें आती हैं, और ना उठने बैठने में कोई दिक्कत होती है। अगर आप गिदरी की सही जुड़ाई करते हैं तो क्रीज भी एकदम सेंटर में आती है। तो आपके लिए ये नया कटिंग फार्मूला है। आप इस एपिसोड को ध्यान से देखना, पूरा देखना। पूरा देखेंगे तभी आपको पूरा फार्मूला समझ में आएगा। इसमें आधा फार्मूला फ्रंट में है और आधा फार्मूला बैक में है, तो आपको दोनों पार्ट देखने होंगे तभी आपको पूरा फार्मूला समझ में आएगा। चलिए दोस्तों, SB पेंट की कटिंग शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका नाप लिख लेते हैं। नाप इसका लंबाई 40। अब इसकी कमर, इसकी हमने गिदरी का नाप नहीं लेंगे, हिप के हिसाब से हम इसका आसन निकालेंगे। कमर करेंगे हम 34, हिप 40 और इसकी मोहरी 15 ही रख लेते हैं। लंबाई 40, 1 इंच बेल्ट का निकाल दीजिए आप। ये लंबाई 40, नीचे जो भी मार्जिन आप रखना चाहे 3 इंच। अब इसका हिप है 40, तो 1/4 कितना हो गया, 10 इंच प्लस आधा इंच, ये मार्जिन जाएगा 10.5। ये 10.5 पे ये आप निशान लगाइए और हमारी गिदरी आ गई 29.5। यानी का हाफ कितना हो गया, 15.25। ये इसका हाफ हो गया 15.25 और प्लस 2.5 इंच ऊपर, यानी 17.25। ये इसका घुटने का निशान हो गया। मोहरी का निशान हमेशा टेपर करके बताता हूं, लेकिन इसको भी हमने टेपर नहीं करना है, ये बिल्कुल सीधा करना है। अब इसको टेपर क्यों नहीं किया, मैं आगे चल के बताऊंगा आपको। जब सामना कट जाएगा तो आपको पता लगेगा, जब बैक काटूंगा तो ये टेपर हमने क्यों नहीं किया। इसका हिप है 40, 40 का 1/3 कितना हो गया, 13 × 3 = 39, 13.5 मान के चलिए, एक सूत कम होता है, तो ये आधा इंच का हमने इसमें कम लेना है। आधा इंच कम कितना हो गया, यानी आप 13 मान के चलिए, 13 इंच, 13 इंच से एक सूत कम होता है, ये 13 इंच से एक सूत कम ही रखेंगे हम, पूरा फार्मूला सही ढंग से ही रखेंगे। 13 से 1 सूत कम, ये हमारा निशान हो गया, 1.25 इंच का हमारा फाग हो गया। अब 6.5 से ये आधा सूत कम, ये इसका सेंटर हो गया। अब ये समझे 6.5 इंच है, तो जहां से आप 6.5 इंच जितना ये है उतना नहीं लेंगे, यहां से हम 1 इंच पीछे हटाएंगे। साइज कोई भी हो, चाहे बच्चे का भी साइज हो, तो भी आपको SB पेंट की कटिंग में 1 इंच पीछे लेना है। यहां से जो सेंटर आएगा, जितना भी आएगा, उससे 1 इंच पीछे ले लीजिए आप। ये 6.5 है, तो यहां से आप 5.5 सेंटर बनाएंगे, और मोहरी है 15, तो ये 4.25, ये 4.25 और 7.5, ये आपकी मोहरी होगी। अब देखिए, यहां से ये बिल्कुल सीधा आएगा, इसमें कोई शेप नहीं देंगे हम, ना घुटने से ऊपर देंगे ना घुटने से नीचे देंगे, ये बिल्कुल, ये निशान लगाइए आप, ये बिल्कुल सीधा रहेगा इसमें। इसका घुटना हमें कितना रखना है, घुटना हम हिप के फार्मूले के हिसाब से ही रखेंगे। अब ये 40 हिप का हाफ कितना हो गया, 20, 20 में से मीडियम में हम कितना कम करते हैं, 2 इंच, तो ये 2 इंच आप ये घुटना कम कर लीजिए, ये 9 इंच आपका घुटना आ गया। अब सेफ पट्टी, यहां से इस साइड में सेफ लगेगी, इस साइड में सेफ नहीं लगेगी, इस साइड में सेफ पट्टी लगेगी। अब वो सेफ पट्टी इसको कितना बाहर निकालता है, ये सेफ के ऊपर डिपेंड करता है, लेकिन हम ये 9 इंच का हमने रखा है, तो इससे हमने ये 9 इंच पे हम सीधा निशान लगाएंगे बिल्कुल।
ये जो हमारा निशान है यहाँ से हमने देखना है कि हमारी सेफ कहाँ तक ये नज़दीक जब भी जाते हैं तो भी हमारी सेफ यहाँ आती है, ये सेफ आ गई हमारी। अब ये समझो डेढ़ सूत के करीब ये घुटना इसने बढ़ा दिया है, यानी 18 की बजाय 18.5 से थोड़ा सा कम या 18.5 ही तैयार, आपको समझ लीजिए ये यहाँ पे निशान आया है। इस साइड में हमने एज इट इज रखना है, बिल्कुल नहीं सेफ लगानी है, यहाँ सेफ लगानी है। यहाँ से भी हमने, क्योंकि हमारा पास फूलना नहीं चाहिए, बिल्कुल नहीं फूलना चाहिए पास, हल्की सी हमने सेफ जैसे हम देते हैं वैसे ही हमने ये सेफ देनी है। यहाँ से बिल्कुल नहीं फूलना चाहिए, ये बिल्कुल सीधा एक तरह से आना चाहिए, ये सीधी सेफ आनी चाहिए। कमर है 34, 8.5 और 1.5, 8.5 1/4 और 1 इंच का दोनों साइड का दबाव, ये यहां से ये आपका फ्लाई का निशान आ गया और ये आपका फाग। अब हमने इसको डाउन करना है। अब ये नॉर्मल साइज है, पेट भी ज्यादा नहीं है, कमर भी ज्यादा नहीं है, तो ये हम जो हमारा स्टैंडर्ड साइज 3 सूत का होता है उतना ही हम डाउन करेंगे। ये हमने डाउन कर दिया है और इसमें आप क्रॉस पॉकेट लगाइए या सीधी लगाइए, जैसी मर्जी लगाइए, ज्यादातर क्रॉस ही चलती है। केक हमारा फाइनल हो गया सामना। मैं फिर दोबारा बता देता हूँ, ये SB कटिंग पैंट है, इसका फॉर्मूला बिल्कुल अलग है, यहाँ इसमें बिल्कुल सेफ नहीं लगती, सिर्फ पास की साइड में ये सेफ चलती है। अब मैं इसकी कटिंग कर देता हूँ। ये हमारा फ्रंट कट गया है। अब ये देखिए यहाँ से हमारा सामना घूमेगा नहीं, ये बिल्कुल नॉर्मल सेफ हमारी आई है। अब इसकी बैक काट देता हूँ। अभी आपको पता चलेगा जो हमारा जो हमने जो फार्मूला इजाद किया है, जो रिसर्च किया है, वो फार्मूला आपको अब बैक में नजर आएगा। अब ये तो इसमें तो ज्यादा फर्क नहीं था, सिर्फ ये साइड सीधी कटी थी सामने में तो, और बैक में हमने ये पास में हमने सेफ दी थी। अब आप देखिए क्या फार्मूला इस्तेमाल होता है। आम पेंटों की तरह, जो आम पेंटें होती है उसी तरह ये 1/2 इंच हम नीचे निशान लगाएंगे और ये इधर भी लगाएंगे, दोनों साइड ये निशान हम लगाएंगे। देखिए यहां से 1.5 इंच, जो हम 1.5 इंच यहां बढ़ाते हैं वो इस फार्मूले में इस साइड में नहीं बढ़ेगी, इस साइड में बढ़ेगी। अब इसको थोड़ा सा ऊपर कर देता हूँ, शायद आपको नजर नहीं आ रही मोरी, और 1.5 इंच यहां से भी 1.5 इंच, इसको आप सीधा निशान लगाइए पहले। ये देखिए अब हमने जो लूजिंग, देखिए यहां बिल्कुल मार्जिन नहीं रखना है, यहां ये आप निशान लगा लीजिए, इसके बराबर कटेगा। जो दबाव आपने रखना है वो दबाव आप इसमें कभी भी लूज करने के लिए लें तो दबाव ले सकते हैं, लेकिन ये इसके बराबर कटेगी। अब इसमें मैं दबाव नहीं काटता हूँ, लेकिन आप ऐसी कटिंग करेंगे तो दबाव रख के काटेंगे। अभी मैं समझा रहा हूँ इसलिए मैं ये दबाव नहीं काटूंगा,
इसके बिल्कुल बराबर काटूंगा। अब यहां से जो भी लूजिंग हमने देनी है, अब जैसे ये 13 से आधा सूत कम ये हमारा सामना है, अब हमने इसकी इसमें लूजिंग कितनी देनी है, अब हमने 2.5 इंच देनी है, तो यहां से ये आप 2.5 इंच इधर लूजिंग देंगे, यहां देंगे आप लूजिंग 2.5 इंच, आगे बिल्कुल नहीं देनी, बिल्कुल बराबर कटेगी। लेकिन ये सीट, ये निशान आपको जरूर लगाना है, क्योंकि आपको सीट है, ये सीट का निशान है। अब यहां पे जितनी लूजिंग आपने इस साइड में देनी है वो यहां देनी है, यहां बिल्कुल नहीं देनी है। अब इसको, ये जो ज्यादा सेफ वाली पट्टी है, इसको आप यहां से ये देख लीजिए, ये निशान हमें, ये निशान मिलेगा, जहां से ये करीब 3 सूत के करीब ये घुटना बाहर निकल गया। जितना हम डेढ़, जहां से घुटना हमारा बाहर निकलता है वो यहां के बजाय हमारा यहां से निकल गया। अब जितना भी निकलता है सेठ में, हमने अब यहां पे 3.5 इंच की लूजिंग देंगे तो भी हम, ये हमारा घुटना थोड़ा सा और भी ज्यादा निकल जाएगा, लेकिन ये 2.5 इंच की सेफ है, इसलिए ये घुटना हमारा 3 सूत निकल गया। अब सबसे पहले ये निशान लगाने से पहले हम ये लगा देते हैं, ये 3 सूत का तो जो हमने सामना डाउन किया है वो हमारा निशान, और इसमें 1.25 इंच की हम ये बेल्ट, 1.5 इंच की लीजिए, 1.5 इंच हम ये बेल्ट उठाएंगे, और ये हमारा ये बैक का निशान हो गया। अब ये निशान हम लगाते हैं, ये देखिए, ये ऐसे बाहर की तरफ ही जाएगा ये निशान, ये देखिए, ये बाहर की तरफ ही जाएगा, यहां से अब ये पैंट फूलेगी नहीं, पास से फूलेगी नहीं, क्योंकि ये हमने और भी बाहर निकाल दिया है। अब यहां से हमने जो भी कुछ साइज लेना है, इसकी कमर है 34, यहां से 1.5 इंच का दबाव, 8.5, 34 का 1/4, 8.5, और आपकी 2 इंच की इसमें डट आएंगी, 2 डट आएंगी, 1-1 इंच की 2 डट आएंगी। अब यहां से 1.5 इंच दबाव निकाल दीजिए, यहां से 1.5 इंच दबाव निकाल दीजिए, अब ये कितना है, यहां से ये समझो आपका 10.25 है। अब 10.25 को यहां से आप ये 10.25 यहां पे रखिए, और आपको कितनी लूजिंग देनी है, देखिए हम ये मीडियम काट रहे हैं तो मीडियम में हम 3 इंच की लूजिंग देते हैं, तो हिप इसका कितना है, हिप इसका 40, 40 और 3 43, ये 43 का निशान आप ये यहां पे लगाइए, ये 43 का निशान हो गया आपका, ये निशान हो गया, इसको हटा के आप लगा लीजिए 43 का निशान, ये 10.25 था और 21.5, 21 × 2 = 42, 21.5, ये 43 का निशान आ गया, और ये सीट का आपका ये निशान आ गया, ये आपकी सीट होगी, यहां पे एक डट, ये 2 डट डालेंगे आप, ये आपकी बैक पॉकेट। जब इस पैंट को आप जोड़ के सिल के पहनेंगे तो बहुत अच्छी फिटिंग आती है, इसकी गिदरी सीधी होने के बजाय जब आप पहन के इसको चलेंगे तो ज्यादा सलवटें भी नहीं आएंगी। दूसरी बात, इसकी क्रीज बहुत अच्छी बैठती है, इसकी क्रीज बहुत अच्छी बैठेगी, ना बाहर जाएगी, आप अगर सही जुड़ाई करेंगे तो ना बाहर जाएगी ना अंदर आएगी, और चलते वक्त आपको कोई परेशानी नहीं होगी। अब मैं इसकी बैक की भी कटिंग कर देता हूँ,
ये देखिए, ये मैंने बराबर काट दी है, सिर्फ आपको बताने के लिए मैंने बराबर काटी है। आप इसमें काटते वक्त थोड़ा बहुत आधा इंच का या एक इंच का आप दबाव रख सकते हैं, यहाँ से यहाँ तक दबाव रख सकते हैं। ना रखें तो आपको इस साइड में आपको दबाव रखना पड़ेगा। अब देखिए, ये दबाव हमने यहाँ पे रखा है क्योंकि यहाँ हमने ये बराबर काट दिया है। अगर आप यहाँ भी दबाव रखते हैं तो रख लीजिए, लेकिन इस साइड में आपको दबाव ज़्यादा रखना है। मेन लूजिंग आपकी इस साइड से होगी, इस साइड से नहीं होगी। इस साइड से बिल्कुल आप बराबर भी काट सकते हैं, दबाव रखना चाहो थोड़ा रख सकते हैं, लेकिन ये जो साइड होगी यहाँ दबाव आपका ज़रूरी है क्योंकि यहीं पर सेब पट्टी लगी हुई है। ये आपकी फाइनल कटिंग हो गई है। तो दोस्तों, ये थी SB पैंट कटिंग। मुझे उम्मीद है आपकी समझ में आ गया होगा।